आज अपनी इस वीडियो में हम लोग इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं पुर्तगाल का जो ड्राइविंग लाइसेंस है जी। ड्राइविंग लाइसेंस जो है जी, सबसे पहले दो कंग्रेचुलेशंस टू माय फ्रेंड गुरमीत जो इसका जो है ना अभी रिसेंटली इसका जो पोर्चुगीज लाइसेंस है, यूरोपियन लाइसेंस भी कह सकते हैं, वो अभी बन के आ गया और ये अब ऑफिशियली पूरे यूरोप में 26 कंट्रीज के अंदर ये ड्राइव कर सकता है। तो आज आपको बताते हैं इसका प्रोसीजर। वेलकम बैक टू माय चैनल शहबाज मा व्लॉग्स। और आज हम अपने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं आपको कि पुर्तगाल में आपका जो इंडियन और पाकिस्तान लाइसेंस है वो किस तरह कन्वर्ट होता है और उसकी क्या वैल्यू है और आप किन कंट्रीज में ड्राइव कर सकते हैं। सबसे पहले तो मेरे फ्रेंड गुरमीत को कंग्रेचुलेशन के गुरमीत का रिसेंटली जो है वो यूरोपियन लाइसेंस जो पुर्तगीज लाइसेंस है वो बन के आ गया है और बड़ा एक्साइटेड है और इसने हमें पार्टी भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की दे चुके हैं इसकी। तो आज आपको बताते हैं इसके डॉक्यूमेंटेशंस और इसके फायदे। लाइसेंस कन्वर्ट करवाने से पहले जो है ना आपको पुर्तगाल की रेजिडेंसी होना लाजमी है। जब आपकी रेजिडेंसी आ जाए उसके बाद आपने अपने होम कंट्री जैसे इंडिया और पाकिस्तान का प्रोसीजर सेम ही है, आपने वहां से NOC मंगवाना है अपने ड्राइविंग लाइसेंस का जी। सबसे पहले आपने मेडिकल करवाना है अपना। मेडिकल करवाने के बाद आपने क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो अपने IMT की वेबसाइट पे, जो उनकी IMT जो जिसे RTA भी कहते हैं आप, उसकी वेबसाइट पे आपने अपलोड एप्लीकेशन फॉर्म करना होता है। उसके लिए आपको चाहिए था मेडिकल जो आपने करवाया होता है, रेजिडेंसी, पासपोर्ट, NOC आपने जो पाकिस्तान इंडिया से मंगवाना है और लाइसेंस। ये पांच चीज़ें आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करवा देनी है IMD की वेबसाइट के ऊपर। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद वो आपको एक प्रोसेस नंबर दे देंगे। जब आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी, IMT आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगा, फिर आपको वो ईमेल के थ्रू आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आप अपनी पेमेंट जमा करवाएं। जो फीस होती है, फीस कितनी होती है नरेंद्र बताएगा? 30 यूरो की फीस होती है, वो आपने सबमिट करवानी है। फिर उसके बाद सबमिशन के बाद जो है ना आपको फिर दोबारा मेल आएगी, उसमें आपको अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, वो आपको किसी भी IMT का रेफरेंस दे देंगे कि आप उस IMT में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो बाय कोरियर, CTT यहाँ का गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस है, वहाँ से आपने बाय कोरियर उस वाले जो IMT का ऑफिस है वहाँ आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देने हैं। और जब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे फिर आपको एक मेल आएगी, उसमें आपको कन्फर्म करेंगे कि आपने जो आपकी पिक्चर है जी CID का, आपका जूनता उसको कहते हैं आपका परमानेंट ड्रेस, यहाँ पे पुर्तगीज में उसको जूनता कहते हैं। तो उस जिस एरिया का आपका जूनता होगा उस एरिया के जो IMT ऑफिस होगा वहाँ पे आपकी फ़ोटो होगी, पिक्चर होगी आपकी, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स आपके वहाँ जाएंगे, लेकिन वो पिक्चर आपको आपके एरिया में ही करवानी पड़ेगी क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है इस वजह से। तो आपकी जब पिक्चर हो जाएगी तो आपका प्रोसेस हो जाएगा डन, फिर आपको 15-20 दिन के अंदर वो आपको लाइसेंस जो है ना वो आ जाता है। सम टाइम होता है, कोरोना टाइम चाह रहा है, लेट भी हो सकता है, घबराने की जरूरत नहीं, 2-3 महीने भी लग जाते हैं भाई, आपकी लक पे भी डिपेंड करता है। और जिस एरिया में आपके एप्लीकेशन सबमिट हुई है जिस एरिया के ऑफिस में, वहाँ पे रश पे भी डिपेंड करता है, वहाँ पे रश कितना है। और जी लाइसेंस आने के बाद गुरमीत का तो प्लान है अभी जर्मन जो है ना जाके गाड़ी शाड़ी चलाने का, कह रहा जी ट्रक बड़े बड़े चलाने हैं जाके, जो ड्रीम ट्रक है वहाँ पे USA भी जाना, ट्रक के ऊपर ही, यहाँ से USA नहीं जा सकते भाई। यहाँ पे 26 कंट्रीज जो है यूरोप की शेंजन, 26 कंट्रीज, फ्रांस, जर्मन, लिथुआनिया, लटविया, जो भी है, नेदरलैंड, पोलैंड, सब में ये लाइसेंस वैलिड है, ठीक है। और इसकी वैलिडिटी भी इन्होंने 2036 तक, इनको अभी इंडियन और पाकिस्तानी का थोड़ा डिफरेंस है, मुझे इसका कंफर्म नहीं है, अभी कंफर्म करके उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, बट इंडियंस को जो है ना वो ज़्यादा वैलिडिटी मिलती है लाइसेंस की, पाकिस्तानी का मुझे पता नहीं है, अभी मैं अपना लूंगा तो फिर बताऊंगा आपको, ठीक है। तो मेरा अभी जल्दी आने वाला लाइसेंस, तो 26 कंट्रीज़ में आप चला सकते हैं उसको विदाउट एनी प्रॉब्लम, और ये पूरी दुनिया में वैलिड है। और इसका जो पाकिस्तान का या इंडियन लाइसेंस जो आपको कैंसिल हो जाएगा उसका जो नंबर है वो इसके पीछे आ जाएगा, इस ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर उस लाइसेंस का नंबर। जब आप कल को इंडिया और पाकिस्तान जाते हैं तो आप ड्राइव करते हो, कोई रोकता है आपको, खैर पहली बात हो तो आप 150 दे के भी जान छुड़ा लेते हो, अगर जान ना छूटे 150 दे के भी तो आप अपना ये लाइसेंस देंगे तो आपका जो इंडिया और पाकिस्तान से जो बना हुआ लाइसेंस है उसकी डिटेल आ जाएगी, तो वो आपको छोड़ देंगे, कोई खतरे वाली बात नहीं है जी। ये रही हमारी एक क्विक सी अपडेट अबाउट ड्राइविंग लाइसेंस। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मैंने डाल दिए हुए हैं अपने
मेरे YouTube चैनल के ऊपर भी, वैसे आप अबाउट में जाएंगे तो वहाँ पे मेरे सारे लिंक्स हैं, Instagram, Twitter जो भी हैं, whatever, Facebook, सब के मेरे लिंक वहाँ पे मौजूद है। अगर आपको पुर्तगाल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे Instagram में आप DM कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, करेक्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपको चाहिए होगी। बचे यहाँ पे पैसे खाने वाले और धोखेबाज लोग, बहुत ज़्यादा फ्रॉडी जिसे आप एजेंट भी कहते हैं, तो उनसे ज़रा बचिएगा। तो कुछ हमारे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं पिछली सीट्स मिसिंग है, तो वो दूसरी कंट्रीज मूव कर चुके हैं कुछ हमारे फ्रेंड्स, तो ऐसा ऐसा हम भी खैर मैं तो नहीं जाने वाला कहीं भी, मैं तो पुर्तगीज बॉय हूँ, पुर्तगीज ही, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इमिग्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं पुर्तगाल आके, आपको फर्स्ट स्टेप कहाँ से स्टार्ट करना है पुर्तगाल में। तो चैनल को लाजमी अपने भाई के सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।